हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विंडोज़ 11 के काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को सीरीज वाइज नहीं देखा हुआ है वो प्लीज़ एक बार सीरीज वाइज देख कर आए। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बिट लॉकर के बारे में समझेंगे कि बिट लॉकर क्या होता है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो ये मैं थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को एक साथ करूंगा। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो बिट लॉकर क्या है। बिट लॉकर इज़ अ ड्राइव इंस्क्रिप्शंस फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन स्टार्टिंग विद विंडोज़ विस्टा। इट इज़ यूज्ड टू सिक्योर डेटा बाय प्रोवाइडिंग इंस्क्रिप्शन फॉर इंटायर ड्राइव। तो बिट लॉकर एक फीचर्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया फीचर्स है। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विस्टा के अंदर, और ये क्या करता है, ड्राइव को, इंटायर ड्राइव को ये क्या करेगा, इंस्क्रिप्ट करके सिक्योर करेगा। तो जिससे कि हमारा जो ड्राइव है वो अनऑथराइज एक्सेस से बचा रहेगा। कोई अगर अनऑथराइज यूज़र है, हमारे ड्राइव को यूज़ करना चाह रहा है या मिसयूज़ करना चाह रहा है बिना हमसे पूछे, तो बिट लॉकर की मदद से हम अपने ड्राइव को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी विंडोज़ 11 की मशीन है। विंडोज़ 11 पे हमें ड्राइव को सिक्योर करने के लिए बिट लॉकर का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने ड्राइव के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास दो ड्राइव है, एक हमारी दिस पीसी के अंदर, एक है सी ड्राइव एंड एक है हमारी ई ड्राइव। तो मैं ई ड्राइव के ऊपर बिट लॉकर को यूज़ करूँगा। तो बिट लॉकर को यूज़ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप ई ड्राइव पर डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहाँ पे आप शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टर्न ऑन बिट लॉकर। तो यहाँ से भी आप बिट लॉकर को ऑन कर सकते हो, या तो फिर आप चले जाना कंट्रोल पैनल के अंदर, सर्च कर लेना कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर यहाँ से भी आप बिट लॉकर ऑप्शंस पे आ सकते हो। तो यहाँ पे बिट लॉकर ड्राइव इंस्क्रिप्शंस, तो यहाँ से भी आप बिट लॉकर पे आ सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो बिट लॉकर। तो यहाँ से भी मैनेज बिट लॉकर का ऑप्शंस आ रहा है। मैनेज बिट लॉकर पे आके आप यहाँ से भी अपने ड्राइव में के बिट लॉकर का यूज़ कर सकते हो ताकि आपका ड्राइव सिक्योर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ड्राइव पे अभी कोई भी सिक्योरिटी नहीं इनेबल है दिस पीसी के अंदर आके। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ड्राइव ई ड्राइव या सी ड्राइव के अंदर कोई भी सिक्योरिटी इनेबल नहीं है। मैं डायरेक्टली क्लिक करके इसके अंदर आ सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो बिट लॉकर से हम इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं और साथ ही साथ में इंस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो आपको कोई भी तरीके से बिट लॉकर को ओपन कर लेना है। मैं कंट्रोल पैनल से ओपन कर लेता हूँ बिट लॉकर को। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है सिस्टम सिक्योरिटी में, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर रखा है। मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आएगा बिट लॉकर ड्राइव इंस्क्रिप्शन। बिट लॉकर ड्राइव इंस्क्रिप्शंस के ऑप्शन पे यहाँ पे सबसे पहले सी ऑप्शन है, सी ड्राइव के अंदर टर्न ऑन बिट लॉकर, या फिर आप ई ड्राइव का बिट लॉकर ऑन कर सकते हो। याद रखना आप इसे पेन ड्राइव में भी यूज कर सकते हो कि पेन ड्राइव लगाने के बाद भी बिट लॉकर का यूज़ आप कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो मैं ई ड्राइव के ऊपर बिट लॉकर को ऑन करना चाहता हूँ। यहाँ पे टर्न ऑन बिट लॉकर मैं सबसे पहले ऑन करना है। तो यहाँ पे चूज हाउ यू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव, आप इस ड्राइव को कैसे अनलॉक करना चाहते हो। यूज़ ए स्मार्ट कार्ड और यूज़ अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो अभी मैं इसे पासवर्ड प्रोटेक्ट के साथ अनलॉक करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1234 एंड री इंटर पासवर्ड में 1234। पासवर्ड लिखने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। द पासवर्ड प्रोवाइडेड डजंट मीट मिनिमम लेंथ रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे पासवर्ड ये नहीं ले रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मिक्स नंबर सभी कुछ होना चाहिए। तो मैं पासवर्ड लिख देता हूँ सब चीज़। तो याद रखना पासवर्ड लिखते टाइम आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, इन सभी का यूज़ करके आपको पासवर्ड को बनाना है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख दिया है एंड नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब ये क्या करेगा, हाउ डू यू वांट टू बैकअप योर रिकवरी की,
ये रिकवरी की भी आपको देगा कि इन केस अगर आप भूल जाते हो बिटलॉकर ड्राइव को अनलॉक करना या पासवर्ड भूल जाते हो, तो आप रिकवरी की मदद से आप उससे अनलॉक कर सकते हो। तो सेव टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सेव टू अ फाइल, अ प्रिंट द रिकवरी की। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, रिकवरी की को सेव पे क्लिक करके। कहाँ सेव करना चाहते हो, तो मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ बिटलॉकर की के नाम से। सेव एंड नेक्स्ट। इंस्क्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली और इंस्क्रिप्ट इंटायर ड्राइव। तो इन दोनों ऑप्शन में इंटायर ड्राइव को आप सेलेक्ट कर लेना। ये थोड़ा स्लोअर है, लेकिन ये क्या करेगा, पूरे के पूरे ड्राइव को ये इंस्क्रिप्ट करेगा। और फर्स्ट ऑप्शन अभी जितना डेटा है ये सिर्फ उन्हीं को इंस्क्रिप्ट करेगा। तो मैं इंटायर ड्राइव को इंस्क्रिप्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड न्यू इंस्क्रिप्शन मोड और कंपटेबल, तो मैं कंपटेबल पे क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट एंड स्टार्ट इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपके ड्राइव की इंस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्क्रिप्शन पे, याद रखना जितना ज़्यादा डेटा आपके ड्राइव के अंदर होगा ये उतना ही टाइम लेगा इंस्क्रिप्ट होने में, डेटा को इंस्क्रिप्ट करने के में। और जितना न्यू ड्राइव रहेगा ये उतना कम टाइम लेगा। तो इसे इंस्क्रिप्ट हो जाने दो पूरे ड्राइव को। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये इंस्क्रिप्शन डन हो चुका है, इसे क्लोज करना है। जैसे ही आप क्लोज करोगे यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बैकअप योर रिकवरी की, अगर आपने रिकवरी की नहीं लिया हुआ है तो आप यहाँ से फिर से ले सकते हो। पासवर्ड चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, स्मार्ट कार्ड को अटैच करा सकते हो, ऑटो अनलॉक ऑन कर सकते हो और बिटलॉकर को ऑफ कर सकते हो। तो इन सभी ऑप्शंस को अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोगों ने जो बिटलॉकर लगाया हुआ है उसको जाकर देख सकते हैं, देख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिटलॉकर का एक रिकवरी की बन चुका है। तो इस की को आप अपने मेल पर, अपने किसी अनदर स्टोरेज पे आप इसको स्टोर कर सकते हो, ताकि अगर इन केस कभी फ्यूचर में आप बिटलॉकर के पासवर्ड को भूल गए तो आप इस रिकवरी की से अनलॉक कर सकते हो। तो मैं चला जाता हूँ ड्राइव के अंदर। ड्राइव के अंदर आने के बाद यहाँ पे दिस पीसी के अंदर, और दिस पीसी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ई ड्राइव पे एक लॉक बन चुका है। लेकिन अगर मैं इसे अभी ओपन करूँ तो ये ओपन हो जा रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, अपने मशीन को एक बार शट डाउन करके ऑन करना है। तो मैं इसे अपने मशीन को शट डाउन करता हूँ और फिर से इसे रीस्टार्ट करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा विंडोज़ मशीन ऑन हो चुका है। मैं फिर से दिस पीसी के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये प्रॉपर लॉक हो गया। तो जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे अपने मशीन को, आपका मशीन यहाँ पे बिट लॉकर जिस भी ड्राइव पे लगा होगा वो उसे लॉक कर देगा। तो इसे यूज़ करने के लिए आप डबल क्लिक करोगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ये यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, एंटर पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव। आपने जो भी पासवर्ड यूज़ किया होगा इसे बनाते टाइम, आपको वही पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। अगर इन केस अगर आप भूल जाते हो बिटलॉकर का पासवर्ड क्या है, तो आप रिकवरी की से भी इसे ओपन कर सकते हो। तो मोर ऑप्शंस में आना है। जैसे ही आप मोर ऑप्शन में आओगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एंटर रिकवरी की। एंटर रिकवरी की का ऑप्शन यूज़ करना है, और जहाँ पे भी आपने रिकवरी की रख रखा होगा, जैसा कि मैंने रिकवरी की को रखा हुआ है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका हूँ। आपको जो भी जहाँ पे भी आपने बिटलॉकर को क्रिएट कर रखा होगा रिकवरी की को, आपको उसे ओपन कर लेना है। और रिकवरी की ओपन करते यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको रिकवरी की। आपको इस की को क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप अगर पासवर्ड भूल चुके हो तो डबल क्लिक करना है इस पे। अगर पासवर्ड याद है तो आप यहाँ पे पासवर्ड लिखकर एंटर कर सकते हो। अगर भूल चुके तो मोर ऑप्शंस पे आना है, एंटर रिकवरी की पे आना है और यहाँ पे उसी रिकवरी की को पेस्ट कर देना है। तो कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका अनलॉक का, तो यहाँ पे आपको अनलॉक क्लिक कर लेना है। तो आप रिकवरी की मदद से भी आप अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने रिकवरी की से भी इसे ओपन कर लिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और इसी तरह बने रहे मेरे साथ विंडोज़ 11 के सारी सीरीज को एक सीक्वेंस वाइज देखे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो विंडोज़ 11 को मैनेज करने के लिए। तो थैंक यू सो मच।